अपने स्टैंड से यहाँ भागता भागता आया कि ये मैं आपको दिखा सकूँ। होप तो यहाँ पे मुझे एक स्कोर कार्ड ये मिला है मैच का, इन्होंने दिया स्कोर नोट करने के लिए। तो ये इंडियन प्लेयर्स यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, और ये यस्तिका, आप जानते ही होंगे यस्तिका को। और ये देवल, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एक और वीडियो में। और मैं आज इंडिया के मैच, वीमेन का मैच है इंग्लैंड और इंडिया का, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। तो ये लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में है, तो बहुत ही एक्साइटेड मैं आज। आप मेरे साथ बने रहिए, मेरा नाम अंकित से एंट्रेंस करूँगा जो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड है। ये होम ऑफ द क्रिकेट माना जाता है, और इसको मक्का भी बोलते हैं, क्रिकेट का मक्का। तो आप बने रहिए मेरे साथ। ये लग ही नहीं रहा यहाँ पे कि ये क्रिकेट का मतलब इनसाइड का एरिया है, एकदम डिफरेंट है। डेकोरेशन यहाँ का मतलब मज़ा ही आ गया मुझे तो, यहाँ की वाइब्स ही एक अलग लग रही है। एंट्रेंस यहाँ से है, ये आरआर स्टैंड है, तो यहाँ से स्टेयर्स से यहाँ से जाने का ऊपर है, स्टेयर से आप ऊपर जा सकते हो। और ये देखो लॉर्ड्स का ग्राउंड काफ़ी अच्छा है, मॉडर्न है एकदम, काफ़ी अच्छा इस पर काम किया हुआ है मॉडर्नाइज करने में। और इसको आप होम ऑफ द क्रिकेट भी बोलते हैं, इसको माना जाना जाता है, और मक्का भी बोलते हैं। ये ऑफिशियल मर्चेंडाइज है यहाँ पे, क्रिकेट के जितने भी हैं शर्ट टी शर्ट सब मिलेंगे। तो दोस्तों मैं मर्चेंडाइज शॉप में जा रहा हूँ, दूसरी वाली, ये वाली पीछे वाली जो आपको दिखाई थी वो क्लोज हो रखी थी। तो चलो चलते हैं, देखते हैं। और ये रही ऑफिशियल मर्चेंडाइज की शॉप एक और, ये देखो क्लीनर्स यहाँ पे, यहाँ पे हर टाइम क्लीनिंग होती रहती है। और ये शॉप, यहाँ पे सारे फोटो ले रहे हैं, और मैंने भी एक फोटो ली है यहाँ पे। तो मुझे मेरी फोटो मिल चुकी है 5 मिनट के अंदर में ही, देखिए सब अपने। और ये फ्री ऑफ चार्ज है। लेडीज के लिए जो ग्राउंड है काफ़ी छोटा किया हुआ है बाउंड्री,
ग्राउंड की बाउंड्री काफी छोटी की हुई है। इंग्लैंड फील्डिंग के लिए उतर गई है और ये इंडिया के लिए वर्मा स्मृति सलामी बल्लेबाज दोनों First turn is for the power play, a maximum of two fielders are permitted outside of the inner fielding circle. Smriti Mandanar taking strike to bowl the first over of the match. और ये पहली बॉल इस मैच की पहली बॉल में ही चौका नहीं एक रन ये देखो मैच का व्यू अभी मैच चल रहा है तो मैंने सोचा सेल्फी वीडियो बना लूं और पीछे का दिखा लूं थोड़ा स्टैंड दूर थोड़ा यहाँ से व्यू थोड़ा दूर है मैं थोड़ा पीछे आया हूँ ये देख सकते हो आप ये रोड है यहाँ से और ये मैं एंड पे आ गया हूँ अब थोड़ा भीड़ हो गई है पहले से बीच में थोड़ा यहाँ पे एम्बुलेंस भी है एमरजेंसी केसेस के लिए एम्बुलेंस और एक वाइन बार है मस्त लग रहा है अच्छा वाइन बार लग रहा है एकदम और ये कॉफी कैफे एक और बार है यहाँ पे तो टीवी भी लगी हुई है पता नहीं किसका स्टैच्यू है मुझे भी नहीं पता बट अच्छा लग रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है अच्छा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है और ये फ्रेंड्स यहाँ पे वाटर फिलिंग स्टेशन है ये देखिए पानी रिफिल करने के लिए अपनी बॉटल काफ़ी अच्छा सिस्टम है जब प्रेस करोगे तभी पानी आएगा इससे पानी का जो वेस्टेज है वो भी बचेगा मैं टहल के आ गया हूँ बाहर से और ये स्कोर हो गया है 84.5 इंडिया 24.5 द्वारा इन्होंने ट्विटर पे क्विज कॉन्टेस्ट करवाया था देख सकते हो यहाँ पे छोटे बच्चों को लाया गया है साउथ एशिया में क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए इंडियन क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए टाइम बॉल है जो भी जहाँ पे इतने इवेंट हुए थे इन्होंने टाइम बॉल यहाँ पे इवेंट को इस पर छाप दिया है दीवार पे टाइम बॉल बहुत लंबी है आगे तक
दादा ने जीता था तब, सौरभ गांगुली ने, तब का है जब गांगुली ने अपनी टी शर्ट लहराई थी लॉर्ड्स में और इंग्लैंड की बैटिंग आ गई है। और ये इंडियन बॉलर जूलन गोस्वामी, जिनका ये लास्ट मैच है। अभी ये क्रिकेट से संन्यास ले लेंगे। और ये कैमरा है यहाँ पे लगे हैं फैंस की वीडियो लेने में। और यहाँ पे जूलन गोस्वामी की ये विदाई। और यहाँ पे ये सीरीज भी जीत चुका है और यहाँ पे सेलिब्रेशन हो रहा है सीरीज का। और ये ग्राउंड को देखने की तैयारी, ग्राउंड पिच को देखो के बाद आप देख सकते हो बहुत सारी टेक्निक्स हैं, टूल्स टेक्निक सब अवेलेबल है यहाँ पे। देखो पिच को पूरा कवर कर रहे हैं। तो धन्यवाद दोस्तों ये इस वीडियो में बने रहने के लिए। मैं आपको मिलूंगा फिर। और मुझे जीत की खुशी तो हो रही है सीरीज जीतने की, बट जो लास्ट का जो विकेट था इतनी नहीं हो रही है। चलो अब क्या कर सकते हैं, जीत तो जीत होती है। कैप्टन ने भी बोला था कि तुम्हें थोड़ा अवेयर भी होना चाहिए। तो थैंक यू गाइस, वो रन आउट हो गई थी, रन आउट कर दिया था। चलो थैंक यू गाइस, मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।